So, good evening, everyone. Welcome to our ongoing Good evening, sir. strategy course. And now, today, I think today we are in the third last class. Tomorrow, next week, two classes, Sunday and Monday, karke we'll wind up this KP batch. Wo khatam ho jayega. We would have finished. तो इसीलिए आप लोगों से वो है कि जो कुछ आपको समझ में आ रहा है कि रह गया है वो आप नोट करके हमें आप लोग भेज दीजिएगा, एडवांस में ग्रुप में भेज दीजिएगा। तो अगर जो कुछ होगा, मुझे लगता है कि मिस हो गया है या आपको लगता है मिस हो गया है, तो हम उसको फिर टेक अप कर लेंगे। बट आई डोंट थिंक एनीथिंग मेजर हैज बीन मिस्ड। कोई छोटा मोटा अगर कुछ मिस करेगा तो इवन आफ्टर we have finished that group will still be there and I will still be there। उसमें हम लोग always जो है ना interact करके, अगर कोई queries हो, कोई questions हो। अभी हमारे पुराने batches जो हैं उनके groups intact हैं हमारे, तो उनके भी कई बार सवाल वाल आते रहते हैं उनके clarifications के लिए, query के लिए। कहीं वो फंसते हैं तो वो फिर पूछते हैं, तो वो सब चलता रहता है। बिकॉज अब इस महीने नेक्स्ट वीक खत्म करके आई प्लान टू स्टार्ट अनदर बैच। तो अनदर बैच मैं सोच रहा हूँ कि केपी और वैदिक और केपी कंबाइंड करके एक बैच करूंगा, जिसमें कि शुरू में मैं कुछ दिन वैदिक कोर्स पढ़ा लूंगा और उसको फिर आफ्टर आई फिनिश, दैट इज ऑफकोर्स आई इफ आई एम एबल टू फॉर्म द वैदिक बैच। वैदिक खत्म करने के बाद फिर दैट सेम बैच विल कंटिन्यू केपी। लेट मी पुट इन माई प्लान करके मैं वीडियो डालता हूँ। लेट अस सी व्हाट द रिस्पॉन्स इज। लास्ट टाइम तो वैदिक बैच के लिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, और आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर भी वैदिक पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों कम हो गए हैं। बैचेस चलते तो हैं, बट जहाँ आप देखो मोस्टली इट इज केपी, केपी ही चल रहा है। एनीवे, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से भी जिनको वैदिक नहीं आता, आप लोग सबको आता है, बट जो वैदिक की हमारे हिसाब से जो सही पद्धति है वो आप लोगों को जाननी चाहिए। उसमें बहुत सारे नई चीजें हैं सिस्टम्स अप्रोच में, जो कि ट्रेडिशनल वैदिक या पाराशी में आपको नहीं मिलेगा। एनीवे, तो आज का क्लासेस आज एज सच मैंने कोई अलग से टॉपिक नहीं रखा है। एक मेल फीमेल का जो है, मेल फीमेल प्रोजेनी की जो बात हो रही है, तो देखिए इसमें अगेन लाइक प्रोफेशन ये भी बहुत टेढ़ी खीर है, और नेटल में तो बहुत ही टेढ़ी खीर है। क्यों? क्योंकि इट इज 100% सबलॉट डिपेंडेंट। तो सबलॉट वही है कि अगर 5 से 7 मिनट ऊपर नीचे सबलॉट हो गया तो आपका प्रिडिक्शन फेल कर जाएगा। आप सब लॉट डिपेंडेंट हो सकता है, सही हो भी जाए, क्योंकि इसमें मेनली जो है मेल फीमेल प्लैनेट्स मेल फीमेल राशिज का चक्कर है। ठीक है, प्रेडोमिनेंस ऑफ मेल फीमेल राशिज कनेक्टेड विद द सब लॉट्स एंड राशिज। राशिज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अनलाइक केपी में मेल फीमेल जो राशि, केपी में आप राशियों का जिक्र कम सुनते हैं। ठीक है, इट इज मोर टू डू विद हाउसेज। केपी में हम हाउसेज 1 to 12 डील करते हैं। कस्ट फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं, सेकेंड हाउस से क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से क्या देखते हैं। इसमें जो है ना, इसमें हाउसेज तो आएंगे ही आएंगे, बट हाउसेज के अलावा राशि, सबसे पहले तो आप लोगों को जानना है कि मेल फीमेल राशियां क्या हैं, तो वो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके नोट्स हमने अलग से कहीं नहीं बनाए हैं, मैं बनाऊंगा अगर तो मैं भेज दूंगा। मेल राशिज आर, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मेल राशिज आर सन, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सन, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। तो लाइकवाइज ये जिनके जिन राशियों के स्वामी हैं वो राशि मेल राशिज हो जाएंगी। ठीक है, एंड फीमेल मून वीनस केतु। मून वीनस केतु, बचता क्या है? बचता है मरकरी एंड राहु। तो मरकरी एंड राहु का आउटकम
will depend on when we consider Mercury and Rahu for the purpose of childbirth, male होगा या female होगा, तो उसमें हमें देखना होगा कि Mercury के जो connections हैं वो मेल राशि से है फीमेल राशि से है. सिमिलरली राहु के कनेक्शन से मतलब ये है, अभी आते हैं कनेक्शन से मतलब क्या होता है. और कनेक्शंस, कनेक्शन मीन्स कंजंक्शंस, कहाँ बैठे हैं उनका, उन कॉन्स्टलेशन लॉर्ड कहाँ बैठा है, उनका सब लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है. देखिए इसके रूल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ. इसके रूल्स क्या हैं, इसके रूल्स हैं फर्स्ट अगर चाइल्ड, देखिए एंड डोंट प्लीज डोंट डिपेंड, एकदम स्ट्रेट अवे आप ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लीजिए. अगर कोई आपसे ये सवाल कर रहा है तो आप ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद आप बेशक बेशक उसके जो है ना उसके हॉरोस्कोप से दशा अंतर दशा जब चेक करने की बात आएगी तो वो उतना गलत तो नहीं होगा. दशा अंतर दशा की जब बात आएगी तो बेशक आप उनके दशा अंतर दशा से उसको टैली कर लीजिएगा. ठीक है, इसका रूल क्या है, फर्स्ट फर्स्ट चाइल्ड जो होता है ना उसमें हम फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड को उठाते हैं. ठीक है, नोट करते हैं मेल है या फीमेल है. ठीक है, नोट कर लिया, उससे कोई फर्क वैसे नहीं पड़ता है, मेल है या फीमेल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाउ सब लॉर्ड के सब लॉर्ड को देखना है. देखिए जो मैं बार बार आप लोगों को शुरू से शुरू बताता आया हूं, ठीक है, अभी मॉडर्न डे जो केपी के टीचर्स हैं आई डोंट नो समहाउ दे हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू नो सब लॉर्ड के सब लॉर्ड को देखने के लिए कोई क्यों नहीं बोलता है, जबकि कृष्णमूर्ति जी के पुराने जो जितने फॉलोअर्स हैं और जिन्होंने जिसको अब हम क्लासिकल टेक्स्ट ट्रीट करते हैं, जैसे हमारे पुराने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो क्लासिकल टेक्स्ट जो चले आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत से क्लासिकल टेक्स्ट हैं जिसको ट्रीट करते हैं, तो कृष्णमूर्ति जी ने खुद जो किताबें लिखी हैं या उनके टाइम के उनके कंटेम्प्रेरी जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे या उनके फॉलोअर्स थे या इनके इर्द गिर्द रहते थे, जो जिस जिन लोगों ने उनसे सीखा है, उनका फॉर्मूला क्या है, फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड, फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड उठाइए, फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड के सब लॉर्ड को देखिए. फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड कुछ भी हो, मेल राशि, मेल प्लैनेट हो फीमेल प्लैनेट हो, मेल अगर है फीमेल है तो वेटेज देगा, वेटेज देगा, लेकिन कस्पल सब लॉर्ड के कस्पल सब लॉर्ड को उठाइए. ठीक है, कस्पल सब लॉर्ड का जो कस्पल सब लॉर्ड है उसके कॉन्स्टेलेशन लॉर्ड को देखिए, यानी कि वो किसके नक्षत्र में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है, और उसका नक्षत्र का स्वामी हॉरोस्कोप में किस राशि में बैठा है, वो राशि मेल है या फीमेल राशि है. ज्यादातर चांसेस ये हैं कि ये सटीक बैठता है और रिजल्ट इससे हमें मिलता है. एक तरीका तो ये है, ठीक है, ये एक तरीका है. 100% आपको सक्सेस में शायद नहीं मिलेगा, 90% तो मिल जाता है, 100% आपको होरेरी से मिल जाएगा. अगर आप नेटल पर डिपेंड करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है. एक एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं. What I mean, आप लोग देख पा रहे हैं इस हॉरोस्कोप को? यस गुरु जी, देखिए क्लियरली दिख रहा है. दिख रहा है ना? यस, ये एक लड़की का हॉरोस्कोप है, ठीक है, एंड ऑलवेज चेक द वाइफ्स हॉरोस्कोप, ऑलवेज चेक द वाइफ्स हॉरोस्कोप. हस्बैंड का हॉरोस्कोप उतना क्लियर पिक्चर नहीं देगा. अगर हॉरोस्कोप नेटल में तो आप किसी का भी सवाल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और नेटल में अगर आप वो हस्बैंड कर रहा है
हस्बैंड अगर सवाल कर रहा है तो उसका आप 11th कस्प उठाएंगे, ठीक है, बिकॉज उसका 11th कस्प इज द 5th कस्प ऑफ हिज वाइफ, तो रिमेंबर। ओके, यहाँ फर्स्ट पे और सेकंड चाइल्ड दोनों केस में 11 नहीं ही नहीं उठाएंगे। नहीं नहीं अभी सेकंड चाइल्ड में 7th आ जाएगा, ठीक है। सेकंड चाइल्ड में फॉर्मूला विल बी द सेम, बट सेकंड चाइल्ड में 7th आ जाएगा, थर्ड चाइल्ड में 9th आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसमें 5th कस्प सब लॉर्ड क्या है, जुपिटर सर, जुपिटर। जुपिटर है ना, हो गया जुपिटर हो गया। अब आप जुपिटर का सब लॉर्ड देखिए क्या है, सैटर्न। दोनों मेल प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सैटर्न किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, सैटर्न केतु के नक्षत्र में बैठा केतु। हुआ है, ठीक है। तो जुपिटर और सैटर्न दोनों तो आपको मेल प्लैनेट्स मिले, केतु कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में ना, राशि चार्ट में, राशि चार्ट में पाइसेस में? पाइसीज मेल राशि है, फीमेल राशि है, मेल। मेल, ठीक है ना। फर्स्ट चाइल्ड वाज मेल, ये हमारी डॉटर का हॉरोस्कोप है, ठीक है, ये हमारी ओके। हमारी डॉटर का ही हॉरोस्कोप है। अब आ जाइए सेकंड, सेकंड राशि भी उसी पे डिपेंडेंट है ना, जैसे सन, मार्स, जुपिटर और सैटर्न की जो राशि हाँ हाँ होगी हाँ हाँ होगी। वही वही वही। और राहु केतु के केस में अगर उसका वो करना है तो हमने आपको बता दिया, राहु केतु केस में, राहु केतु केतु के केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उनके कंजंक्शन देखने होंगे, कहाँ बैठे हैं वो देखना होगा। अब आ जाइए सेकंड, इसमें सेवेंथ, सेवेंथ देखिए क्या है, सेवेंथ सब लॉर्ड क्या है, राहु। राहु, ठीक है। अब देखिए राहु, का सब लॉर्ड सर, वीनस। राहु का सब लॉर्ड क्या है, वीनस वीनस। वीनस किसके नक्षत्र में है, केतु के केतु कहाँ बैठा है, जुपिटर सेकंड में मेल था क्या? सेकंड। दोनों बच्चे जो हैं, ओके। दोनों बच्चे मेल चाइल्ड हैं, ठीक हो गया। ये तो एक तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा फिर तरीका क्या है, दूसरा तरीका दोनों सही बैठता है। अगर ये, अगर इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द कस्पल सब लॉर्ड्स, देन आप चले जाएं कंसेप्शन की डेट पर। कंसेप्शन की डेट डॉक्टर्स बता देते हैं क्या है, ठीक है, कंसेप्शन की डेट पर आप चले जाएं। कंसेप्शन के डेट पर अगर आप चले जाएंगे तो उस टाइम की फिर आपको दशा अंतर दशा का कॉम्बिनेशन देखना होगा, उस टाइम के दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा का कॉम्बिनेशन आपको देखना होगा, ठीक है। उस टाइम की दशा अंतर, ये इससे तो आप मैच कर ही लेंगे, लेकिन सपोज देर इज अ डाउट, ये तो आपको 90% करेक्ट निकलता है अगर सब लॉर्ड्स ठीक हैं तो। नहीं तो आप फिर कंसेप्शन के डेट पर चले जाएं, उस समय दशा अंतर दशा क्या चल रही है, एंड अप्लाई द सेम फॉर्मूला, अप्लाई दी सेम फॉर्मूला, यू विल गेट दी सेम रिजल्ट्स, यू शुड गेट द सेम रिजल्ट्स। सर ये समझ नहीं आया कैसे, मतलब तब की हॉररी चार्ट बनाए क्या, कैसे कंसेप्शन का लेंगे? नहीं, कंसेप्शन तो आप भाई समबड़ी, लोग आजकल बहुत सारा पूछते हैं ना, हाँ कि हमारे बेटा या बेटी या लड़का हाँ लड़की खुद भी पूछते हैं, प्रेग्नेंट हैं, हाँ पूछिए हाँ भाई क्या तुम्हारा कंसेप्शन के डेट, डॉक्टर्स बता देते हैं ना, आप लोगों को पता है हाँ ओके। हाँ कंसेप्शन मतलब के डेट तो डॉक्टर्स बता देते हैं ना, अप्रोक्सीमेट तो टाइम बताते हैं हम। अप्रोक्सीमेट तो बता देंगे, फिर भी महादशा तो नहीं चेंज होती है, दशा ओके ओके गॉट दशा, इट। महादशा तो वही रहेगी, अंतरदशा भी कर तकरीबन वही रहेगी, ठीक है। महादशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन देखिए, प्रत्यंतर दशा का फिर वो देखिए डेट क्या डिलीवरी की है, क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, एंड अप्लाई द सेम फॉर्मूला, गो टू सेम द चीज सेम, देखेंगे फिफ्थ का सब उनका लॉर्ड। हाँ सब लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड का सब लॉर्ड क्या है, कहाँ बैठा हुआ है, वही रिजल्ट मिलेगा। सर ये आपने देखा है क्या, ये मतलब ये देखा प्रैक्टिकल? है मैंने, मैं देखा ओके। तभी बस, लेकिन बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये 100% फुल प्रूफ नहीं है, 90% रिजल्ट मिलता है, 90% रिजल्ट मिलता है, तो हॉररी चार्ट में 90 से ऊपर मिल सकता है अगर हॉररी चार्ट बनाए नाइन्टी तो? फाइव परसेंट हम तो मानते हैं,
95% होररी चार्ट में, किसी भी सवाल में 95% सक्सेस रेट है, 5% तो नहीं है ना, 5% हाँ, कहीं तो वो तो नहीं कुछ है, नहीं नहीं तो फिर होता। तो ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है ना, फिर तो हमें भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए 5% तो उन्होंने रोक रखा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 100% तो हम कोई क्लेम नहीं कर सकता है, नो बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी विल टेल यू, एस्ट्रोलॉजी विल टेल यू कि हमारा प्रेडिक्शन गलत हुआ था सर ना। इसको बीटीआर में भी तो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं फिर, जैसे कि अगर किसी का लड़की हुई है, दोनों डॉटर्स हैं, और हमें अगर ये नहीं दिखा रहा है 5th और 7th, तो कहीं ना हाँ कहीं कर सकते हैं, दैट टाइम ऑफ बर्थ चेंज हो ये सकता भी, ये भी एक टूल है करने का, ये है भी एक बीटीआर टूल ना। है करने का, हाँ, बट चेक इट आउट विद दी श्योर शॉट टेस्टेड, जो कृष्णमूर्ति जी टेस्टिंग के इवेंट्स है ना, शादी है शादी नहीं है, बच्चा है बच्चा नहीं है, है ना, उससे मेथड। उससे वह चेकआउट कर लीजिए, द मोस्ट यू नो जो एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड इवेंट्स, ठीक जो श्योर शॉट देता है। है सर। तायर जी आप, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर मैंने एक चीज पूछनी है, जो ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो ऑड नंबर्स की राशियां हैं वो मेल होती हैं, जो इवन नंबर की राशियां हैं वो फीमेल होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो है वो मेल राशि हैं, और 2, 4, 6, 8, 10, 12 नहीं नहीं फीमेल नहीं राशि हैं। थ्री थ्री इज नॉट अ मेल राशि, वैसे नहीं है, इट इज प्योरली प्लैनेट बेस्ड, प्लैनेट्स हैं ये, ठीक है, ये प्लैनेट्स हैं, ये जिसके लॉर्ड्स हैं वो मेल राशि हैं, जो मेल राशि या फीमेल राशि है, ठीक है। एंड मरकरी, और मरकरी और केतु का हमने आपको बताया, मरकरी और राहु, मरकरी और राहु का हमने आपको बताया कि वो डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा वो कहाँ है, किसके साथ हैं, कैसे हैं, वो डिपेंड करेगा, उसमें फिर हमें कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट सर हमने भी किसी एक बुक में पढ़ा था सर, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और थ्री नहीं, फोर वो एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है वो मेल और फीमेल, बट उसका जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ नाम है ताहिर जी। अगर आप जेंडर देख रहे हो तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हो आप वैदिक से, वो सिर्फ ये कहती है कि जो इवन राशि है वो डिपेंडेबल राशि है, मेल राशि देखिए, जो है वो हाँ वैदिक इंडिपेंडेंट के है। रूल्स अलग हैं, वैदिक के भी वो मेल फीमेल प्लैनेट्स को लेकर ही करते हैं, जैसे जुपिटर, जुपिटर को पुत्र हाँ, कारक कहते हैं, सन को बोलते हैं, सन सन भी जो भी है मेल है, पुत्र का मेल कारक एनर्जी है। है, हाँ, ठीक है, शुक्र जो है फीमेल का कारक है, फीमेल एनर्जी है, चंद्रमा जो मून। है फीमेल का कारक है, वैदिक में भी वही चीज है। लेकिन सर ये जो बोल रहे हैं ना मेल फीमेल राशि, वो जेंडर के लिए वैदिक में नहीं यूज होती। अच्छा नहीं, मुझे नहीं, मैं हाँ, वैदिक जो वो जो बोल रहे हैं मैं मुझे पता है पढ़ाता हूँ उसमें वो। ये हाँ रूल्स नहीं है जो आप बोल, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, मैं मुझे भी कुछ याद आ रहा है, जब मैं वैदिक ऑड एंड इवन का है सर ओरिजिनल, जब उसमें। मैं पराशरी पढ़ता था, वो 20 साल पहले की बात है, फिर तो बाद में मैंने छोड़ ही दिया वो, इसमें हो सकता है वो हो। देखिए आप लोग ये देखिए, ये किताब है एक, मैं आप ये किताबें आपको मिलेंगे भी नहीं कहीं, अब ये देखिए आप, क्या है इस किताब का नाम, ये दिस ऑथर इज नो मोर, ये मैं बता देता हूँ, एस्ट्रो सीक्रेट्स एंड कृष्णमूर्ति पद्धति पार्ट 1, ठीक है, ये आपको शायद मिलेगी भी नहीं, आउट ऑफ प्रिंट भी होगी, ये है एमपी शानमुगम, एमपी शानमुगम की किताब है, ठीक है, एस्ट्रो सीक्रेट्स एंड कृष्णमूर्ति पद्धति पार्ट 1, एमपी शानमुगम, केपी एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, ये बहुत पुरानी किताब है, पार्ट 2 ये लिख नहीं पाए थे, पार्ट 2 लिखने के पहले इनकी डेथ हो गई थी, तो पार्ट 2 कृष्णमूर्ति जी के लड़के ने लिखा था, बट दिस इज सच अ ब्यूटीफुल बुक, इसमें कृष्णमूर्ति पद्धति के ऐसे सीक्रेट्स आपको मिलेंगे जो ना तो कोई आज पढ़ाता है, ना किसी के पास है, ना कृष्णमूर्ति जी खुद खुद बता के गए थे, इसमें ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं इस किताब में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कृष्णमूर्ति जी, देखिए कृष्णमूर्ति जी के साथ क्या था ना, उनकी किताबों को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो हिज फॉर्मूला एंड हिज रूल्स आर यू नो स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस, कहीं आपको एक तरीके से कंसोलिडेटेड तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके नहीं मिलेगा, कहीं उन्होंने कुछ लिखा है किसी किताब में, फिर कहीं किसी किताब में कुछ लिखा है, कई जगह आप देखेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को उन्होंने तवज्जो दिया है, कई जगह भूल गए हैं वो कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को कंसिडर भी करना है,
सर ये अगर मरकरी और राहु आ गया तो किस पे डिपेंड करता है सर? मरकरी या राहु आ गया तो देखिए किसी के साथ कंजंक्शन में तो नहीं है, ठीक है, किसी के साथ कंजंक्शन में तो नहीं है। मरकरी और राहु अगर आ गया तो फिर आपको जो है ना मेजोरिटी ऑफ देखना होगा, दोनों दोनों सब लॉर्ड जैसे देख रहे हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स। दोनों सब लॉर्ड, जो सब लॉर्ड जैसे इसमें मैंने एक जुपिटर निकाला तो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर, इट इज नॉट दैट इट करेक्ट विल नॉट प्ले अ पार्ट, ठीक है। द प्रिडोमिनेंस ऑफ द मेल और फीमेल सब लॉर्ड्स दैट विल ऑल्सो काउंट, एंड देन द सब लॉर्ड ऑफ द सब लॉर्ड, सब लॉर्ड ऑफ द सब लॉर्ड को आप लोग मत भूलिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कहीं और कोई पढ़ाएगा भी नहीं और कहीं आपको मिलेगा भी नहीं किताबों में, ये सिर्फ दो तीन किताबों में मिलता है, जो एक केपी क्या है वो सब लॉर्ड स्पीक्स, एंड ये जो अभी किताब हमने आपको दिखाई इसी में सब लॉर्ड का, सब लॉर्ड का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा और कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, कोई कोई पढ़ाता भी नहीं है। अभी किसी एस्ट्रोलॉजर का मैं यूट्यूब सुन रहा था, उसमें किसी ने पूछा, किसी स्टूडेंट ने, सर सब लॉर्ड का भी सब लॉर्ड देखना है कि, उसने मना कर दिया, नहीं नहीं देखना है। तो लेकिन देखना है बिकॉज उसके पीछे लॉजिक दिया है ना कि कस्पल सब लॉर्ड इज ऑल्सो, भाई आप कस्पल सब लॉर्ड को देखिए, कस्प का सब लॉर्ड जो है उससे आप हाउस की स्ट्रेंथ को गेज कर रहे हैं, बोलते हैं ना स्ट्रेंथ ऑफ ए हाउस, अ हाउस इज यू नो अ हाउस इज A house is giving, his house is a house is capable of giving both negative as well as positive results. Especially a house like the sixth house, it is capable of giving both good as well as bad results. तो ये हम कैसे देखेंगे कि वो हमें गुड देगा कि बैड देगा? ये कौन बताएगा हमें? ये उसका सब लॉर्ड बताएगा ना? तो सब लॉर्ड जो होता है वो भी तो एक प्लैनेट ही है ना? तो फिर वो कैसे बताएगा? फिर वो अपने जो उसके सिग्निफिकेशंस हैं सब लॉर्ड के, वो अपने सिग्निफिकेशन से ही तो बताएगा कि सिक्स हाउस कैसा रिजल्ट देगा। तो सिग्निफिकेशंस देखने के लिए उसके भी स्टार लॉर्ड को देखना है और उसके भी सब लॉर्ड को देखना है। तो ये प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर, कस्पल सब लॉर्ड के सब लॉर्ड को देखना है, ठीक है, प्लानिटरी सब लॉर्ड के सब लॉर्ड को नहीं देखना है, कस्पल सब लॉर्ड के सब लॉर्ड को देखना है। प्लैनेटरी सब लॉर्ड के सिर्फ कॉन्स्टेलेशन लॉर्ड तक, स्टार लॉर्ड तक देखना है, ये दोनों में फर्क है। तो मैंने क्विकली अपनी सिस्टर का देखा, उसका दोनों बॉयज दिखा रहे हैं लेकिन उसकी दोनों डॉटर्स हैं। आप होरेरी से पूछ लीजिएगा, अरे आप क्या पूछिएगा, अब तो हो गया। अब हो गया ना, आप इसलिए उसका मैं आप, बीटीआर अरे तो आप बीटीआर करो ना सिस्टर का, करना पड़ेगा। हाँ मुझे लग रहा है सिस्टर का इसी से बीटीआर पता करो, चला। ठीक है, बीटीआर करो, 2-4 मिनट ऊपर नीचे कीजिएगा, सब लॉट चेंज हो जाएंगे। आप ऊपर नीचे वाला सब लॉट ऊपर नीचे करके देखिए, आपको मिल जाएगा बॉयज। आप ऊपर वाला नीचे वाला सब लॉट को ऊपर नीचे करके देखिएगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अपना अपना आप लोग जब पढ़ते हैं तो हॉरोस्कोप अपना या अपने फैमिली में, दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न, खुला रहना चाहिए सामने में। तो सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड के सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड को देखना है ना? हाँ, सब लॉर्ड का सब लॉर्ड जो है उसका स्टार लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? वो बैठा किस हाउस में बैठा, वो तो अपनी जगह है, नहीं, किस राशि में बैठा है किस वो राशि में बैठा हुआ है। भी। बीटीआर करना पड़ेगा। फिफ्थ कस्प के सब लॉर्ड का खाली कॉन्स्टेलेशन लॉर्ड क्यों देखते हैं हम लोग? वो देखते हैं कि चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस्ड है कि नहीं, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। सब लॉर्ड कस्पल सब लॉर्ड का काम क्या होता है? वो ये बताता है यस या नो, शादी होगी कि नहीं। सेवेंथ हाउस सब लॉर्ड 2711 देगा तो शादी होगी। फिफ्थ हाउस सब लॉर्ड, फिफ्थ हाउस सब लॉर्ड 2511 देगा तो बच्चा होगा, नहीं देगा 1414 देगा तो बच्चा नहीं होगा, वहां पे उसके कॉन्स्टेलेशन लॉर्ड का काम खत्म हो जाता है। होगा तो फिर क्या होगा, उसके लिए सब लॉर्ड के सब लॉर्ड को देखना है।
भाई प्रोफेशन में भी तो हमने यही चीज बताया था, आप याद कीजिए, प्रोफेशन में भी, नेचर ऑफ प्रोफेशन में 10th कस्पल सब लॉर्ड के सब लॉर्ड का सब लॉर्ड जो है उसका कॉन्स्टेलेशन लॉर्ड बताता है किस तरह का आपका, किस तरह की नौकरी या प्रोफेशन होगा। ऑल दो उसमें अगेन आई से कि प्रोफेशन में यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ वेदिक, बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखते हैं आपका, 10th हाउस क्या है, 10th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वो सब देखना पड़ता है। सर ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो ये राशियों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन केपी में राशियों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। नहीं, राशियों की इंपॉर्टेंस है, कारकत्व तो है ही है। आप देखिए ऐसा है, यू हैव टू यूज कारकत्व ऑल्सो, कारकत्व आपको यूज करना है। आप देखिए ऐसा है, क्या है ना, राशि पर तो आप ये जो आप जो पढ़ते हैं कि जैसे ये सामने खुली हुई है, ये कुंभ लग्न है, तो इट इज नॉट दैट यू नो ये आप इस नेटिव का आप उसकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को जज करने में, यू नो बिसाइड्स द फर्स्ट हाउस कस्पल सब लॉर्ड से जो हम देखते हैं, उसके अलावा अक्वेरियस के जो कारकत्व हैं, जो उसका नेचर है, अक्वेरियस नेटिव्स कैसे हैं, दैट विल प्ले अ रोल। ठीक है, दैट विल प्ले अ रोल। ये कुछ चीजें आपको ऐसी हैं कि अब मैं अगर आपको ये बताइए कि मैं आई डोंट वॉन्ट टू, आज मैं बता रहा हूं कि अगर मैं एक एक पैराग्राफ लिख करके ले आऊं, ठीक है, अक्वेरियस कुंभ लग्न वाले कैसे होंगे, ये तो किताब में आपको एक कई पन्ने मिलेंगे, उसको मैं रट के आपको बड़ा बता दूं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये कुछ चीजें तो आपको, ये किताबी ज्ञान है, ये तो आपको खुद गैदर करना होगा। आप देखो मिला करके आप अपनी, आपकी लग्न क्या है, आप देखो किताबों से आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें केपी में, इट इज नॉट दैट इसका मतलब नहीं होता है, केपी की किताबों में भी अगर आप देखेंगे, केपी की किताबों में भी लग्न वाइज दिया रहता है कौन से, एक मिनट, जैसे इसी किताब में अगर मैं कहीं देखूं, कहीं होगा, देखिए जैसे लिखा है कन्या लग्न, कन्या लग्न इज द 6th हाउस ऑफ द जोडियाक एंड कंप्राइजिंग इतना इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इफ फ्रेंड्स आर फेमिनिन फोक्स देन कन्या कन्या बॉर्न्स आर हैप्पी टू हैव फेमिनिन फ्रेंड्स, मून लॉर्ड ऑफ 11 शुड नॉट बी डिपॉजिटेड इन द स्टार्स ऑफ इतना इतना इतना, मून इफ डिपॉजिटेड इन एनी वन ऑफ दी स्टार्स और मून कंजंक्ट विद मार्स, फ्रेंड सर्कल विल नेवर बी हैप्पी वन। ये किताबी बातें आप कभी याद कर पाओगे क्या? ये तो एक्सपीरियंस के साथ आता है। सी एक एक लग्न के ऊपर तीन तीन चार चार पेज लिखा हुआ है, तो उसको मैं आप लोगों को अगर पढ़ाऊं, हाँ ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट्स आप बना करके याद रखिए, जैसे सभी को पता होता है, जैसे आई एम अ टॉरियन, टॉरियन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, केपी डज नॉट डिनाई दैट, केपी ये नहीं बोलता है, लेकिन केपी उसमें और फाइन ट्यून करता है कस्पल सब लॉर्ड से। ठीक है, आई विल बी, आई एम अ टॉरियन, आई विल बी अ मिक्सचर ऑफ द टॉरियन नेटिव प्लस वॉट माई कस्पल सब लॉर्ड सेज अबाउट मी एंड माई लाइफ, अबाउट मी, माई एटीट्यूड, माई नेचर एंड माई लाइफ। केपी इज वन स्टेप अहेड ऑफ वेदिक। हाँ ये जरूर है कि केपी में राशि कारकत्वों पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है, बट इट इज नॉट लॉस्ट, मतलब वो ये है नहीं है कि जैसे राहु है, जब मैं हमेशा बीच बीच में जब बोलता भी हूँ, राहु जैसे मान लीजिए आपका 6th लॉर्ड का सिग्निफिकेटर है, वेरी वेल प्लेस्ड है, ठीक है, 6th लॉर्ड का, 6th हाउस का सब लॉर्ड है, 11th हाउस से कनेक्शन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो आपको पैसे देगा, वो आपको पैसे देगा, लेकिन उसके पैसे देने के तरीके अलग होंगे, अपने कारक तत्व के हिसाब से वो आपको पैसे देगा, वो यू विल रिजॉर्ट टू एनी मीन्स टू यू नो अर्न योर मनी। अगर जुपिटर है 6th कस्पल सब लॉर्ड का, अगर सॉरी 6th कस्पल सब लॉर्ड बन गया जुपिटर, एंड इफ इट इज कनेक्टेड टू 2 एंड 11, इट विल गिव यू मनी इन अ वेरी नोबल वे, आप ईमानदारी की कमाई कमाओगे, तो ये कारकत्व तो है ही है।
इसके लिए देखिए, एस्ट्रोलॉजी में सारा कुछ जो है ना, कोई भी आपको 2.5-3 महीने के कोर्स में ये चीजें रटवा नहीं सकता है। अब वैसे तो मैं 1 साल का केपी कोर्स कर दूं, फिर मैं आपका टेस्ट लूं, मैं आपसे पूछूं कि यस राइट अ पैराग्राफ अबाउट अक्वेरियस नेटिव्स, तो आप लिखेंगे उस पर मैं सर, नंबर। ये जो आप आज बता रहे हैं राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये केपी का कोई टीचर नहीं पढ़ाता सर। कोई एक टीचर बताता भी नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स, इवन एक लाइन की भी कोई नहीं बताता कि एरीज के ये हैं, जमनाई के ये हैं, टॉरस के ये हैं, कैंसर, नहीं कोई देखिए, एक ऐसा भी है बंदा नहीं सर, बताता। नहीं कोई नहीं या बताता। सर्टेन थिंग्स यू नो, जी सर्टेन या थिंग्स यू यू आर 2-2.5 महीने के कोर्स में हम कैसे बताएंगे? ये तो तीन तीन क्लास या लग जाएगा सिर्फ यही बताने में, तीन क्लास लग जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसको आप यूज नहीं करेंगे अपने लाइफ के अलावा, शायद किसी और के लिए। कोई कस्टमर आया करेक्टर तो एनालिसिस, करेक्टर वो एनालिसिस के ठीक लिए है, जा सकते कैरेक्टर हैं, प्रिडिक्शन एनालिसिस आप जब आप लोग मैं बोलते हैं में, ना, प्रिडिक्शन मेरे लाइफ में कम प्रेडिक्ट, यूज होता है ये। मेरे लाइफ हाँ प्रेडिक्शंस लिखो, लाइफ प्रेडिक्शन, तो यू स्टार्ट हाँ ऑफ विद हिज, यू नो, विद हिज एटीट्यूड, हिज कैरेक्टर, हिज पर्सनैलिटी। किताब खोलिए, कोई भी किताब खोल लीजिए, क्योंकि आप सब याद नहीं रख सकते हैं कि टॉरियंस कैसे होते हैं, एरियंस कैसे होते हैं, और उसमें से देखिए, या आपने कंप्यूटर में रखी और वही चीज हर जगह आपकी को मिलेगा, विद 19-20 थोड़ा सा फर्क हो सकता है। ठीक है, तो ये पढ़ाने वाली चीज नहीं है। आजकल का प्रॉब्लम क्या है ना, आज किताबें नहीं पढ़ते हैं, कोई भी नहीं पढ़ता है किताब। आई डोंट ब्लेम, आई डोंट नो, आई शुड ब्लेम, पढ़ना तो चाहिए किताबें, क्योंकि सब चीज नहीं मिलेगा आपको। पूरी पूरी किताब मिल जाएगी आपको, पूरी पूरी किताब मिल जाएगी, सिर्फ जो है ना, सन साइंस, मून साइंस, लग्ना साइंस, पूरी पूरी किताब मिल जाएगी। हेलो हेलो, हाँ हाँ 2 नंबर है, कौन सा नंबर डायल किया तुम? नहीं तो वो मेरा नहीं, 375 तो 983, वो नहीं, 75 नहीं, 375 नहीं, कोई पुराना नंबर होगा। नहीं, हाँ मिलता है, तो 458 है एंड में, गुड मॉर्निंग वाले। हाँ क्या सूरत में क्या हो रहा है? नहीं हाँ, अच्छा सुनो ना हिमांशु, मेरा ना क्लास चल रहा है, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी बात करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? चल ओके। तो सर जैसे एनीवे ये जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, इसमें रेफरेंस के कॉलम में उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं मिलेगा सबके। मिलेगा, सब मिल जाएगा, ऑल ऑल जी हाँ जी ऑल, हाँ जितने भी आजकल हाँ सॉफ्टवेयर हैं सब मिलता है उसमें आपको। जी हाउस हाँ ग्रुपिंग भी मिलेगा ट्रू एस्ट्रोलॉजी को, अगर आप जी ठीक से हाँ एक्सप्लोर हाउस करेंगे, ग्रुपिंग भी हाउस है उसमें सर, ग्रुपिंग भी बिल्कुल मिलती है है, किस इवेंट के लिए क्या जी क्या हाँ कॉम्बिनेशंस देना है, एवरीथिंग इज देयर। एक दिन बैठ के ट्रू एस्ट्रोलॉजी को आप लोग ठीक से तरीके से एक्सप्लोर कीजिएगा, तो बहुत सारे फीचर्स हैं। तो सर। ये आप बोल रहे थे आजकल कोई किताब नहीं पढ़ता सर, मैंने 1300 पेज की ओशो की 112 टाइप की मेडिटेशन की बुक ऑर्डर किया है। नहीं, आप तो पढ़ते हो, आप तो पढ़ते हो भाई, आप यू आई कैन यू नो, वन कैन मेक आउट कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। अब तो हम लोग तो देखिए, हम लोग तो अब पढ़ना, जो पढ़ना था पढ़ से चुके हैं, अब तो आंख की डॉक्टर बोलती है कि पढ़ो भी मत ज्यादा, काम भी मत करो कंप्यूटर पे, क्यों? मैं भी बहुत पढ़ता हूँ सर हाँ नहीं पढ़ते हैं बहुत दिन, केपी किताबें मंगवा जी। ली, पढ़िए। चलिए ठीक है, तो ये है, ये मैंने आपको बता दिया, यही फॉर्मूला है। तो ये फर्स्ट चाइल्ड से भी बता सकते हैं कि सेकंड मेल होगा कि फीमेल होगा, थर्ड सबलॉट देख के पता चलेगा उससे। फर्स्ट चाइल्ड इज फीमेल,
फिफ्थ सब लॉर्ड, सेकंड चाइल्ड इज सेवंथ। सर फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ हॉरोस्कोप से अगर हम उसका थर्ड सब लॉर्ड से चेक कर सकते हैं कि उसके बाद क्या होगा? नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए ना, क्यों करते हैं देखिए ऐसा, आप अपने हॉरोस्कोप से किसी और का कुछ एक लिमिट तक ही देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप सभी की अपनी अपनी डेस्टिनी है, वो कुछ लिमिटेशंस हैं। आप वो अपने ब्रदर से कैसा, आपका ब्रदर सिस्टर से कैसा आपका रिश्ता रहेगा, है ना, फादर मदर की जैसे वो डेथ हम लोग देख लेते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम देख पाते हैं, बट अब आप किसी का पूरा अगर प्रिडिक्शन करना चाहिए अपने हॉरोस्कोप से, वो संभव नहीं होता है। इवन आप अपने पार्टनर का, लाइफ पार्ट स्पाउस का भी करना चाहिए, वो भी संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। एवरीबडी हैज अ डिस्टिंक्ट एंड डेस्टिनी, और मोर ओवर आप अपने हाउ श्योर आर यू अबाउट योर सब लॉर्ड्स दिस, अनलेस एंड अनटिल आप 100% श्योर हैं तो आप देखिए, कुछ कुछ लिमिटेड चीजें आपको पता चलेंगी दूसरे के बारे में, सब कुछ नहीं पता चलेगा। तो तो ये है प्रोजेनी, तो मैं इसमें एक मेरा क्वेश्चन है कि जनरली जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चाइल्ड चेक कर रहे होते हैं तो क्या हम उस जो भी हमारा या फीमेल नेटिव है, क्या हम उसकी जो उसने कंसीव्ड किया हुआ है और वो अबॉर्शन वगैरह हो गया है, क्या उसको भी कंसिडर करना होता है बीच में? एक बच्चा 2-3 महीने पेट में रहा है आपके, तो नहीं नहीं आपने कंसीव तो किया है, नहीं 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 वो आपका फर्स्ट सेकंड चेक बन नहीं जाएगा? नहीं 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 ओनली ओनली दो इश्यू अच्छा जो इस दुनिया में आ गए, वो तो वो फिर ओके वो अलग चीज है, वो तो वो देख के आप बता भी नहीं सकते हैं। वो तो हमने बताया भी था प्रोजेनी के क्लास में, कैसे डिलीवरी डिस्टर्ब्ड हो सकती है, सर्जिकल प्रोसीजर होगा या फिर नॉर्मल होगा, वो सब तो नहीं, वो नहीं, वो इश्यू में कंसिडर नहीं होगा। वो समबडी हु हैज नॉट कम इन टू दिस वर्ल्ड, उसका एग्जिस्टेंस नहीं मानेंगे ना हम। चलिए तो फिर ये तो एक हुआ, फिर देखते हैं। और आज मैंने सोचा था आप लोगों को बताऊं थोड़ा। ये आप लोग देख पा रहे हैं क्या? अभी नहीं सर। यस सर, यस ये मेरा हॉरोस्कोप देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर, देख यस सर, देख हाँ, पा रहा हूँ। एक्सीडेंट्स के बारे में बताना था आप लोगों का, है ना। तो देखिए एक्सीडेंट्स में एक केपी में बोलते हैं उसको फोर्थ ट्राइगोन, ठीक है, फोर्थ ट्राइगोन, 4, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन जो होता है, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस कॉम्बिनेशन इज केपेबल ऑफ गिविंग यू एन एक्सीडेंट जब इन तीनों हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स की दशाएं एक साथ आएंगी। 4, 8, 12 की जब दशा आएगी, या इवन 8, 12 की, 4, 12 की, 4 may not always be there, 4 may not always be there, बट 4, 8, 8, 12 एंड इवन द फर्स्ट हाउस। पहले तो हमें समझना होता है कि हमारे लाइफ में कोई एक्सीडेंट लिखा है क्या? तो एक्सीडेंट्स देखने का प्राइमरी हाउस कौन सा है, आप लोग बताइए? 8th हाउस, 8th हाउस, ठीक है। एक्सीडेंट्स देखने का प्राइमरी हाउस 8th हाउस है। तो 8th और फर्स्ट, फर्स्ट इज योर सेल्फ द नेटिव, 8th और फर्स्ट का अगर कनेक्शन निकल करके आता है तो फिर लाइफ में, जैसे हम बोलते हैं ना, बीमारी का फर्स्ट और सिक्स का कनेक्शन अगर निकल के आता है तो बीमारी होगी, ठीक है। इफ योर सिक्स हाउस, इफ योर फर्स्ट हाउस इज कनेक्टेड टू द सिक्स हाउस, देन यू विल फॉल इल सम टाइम इन योर लाइफ। इसी तरीके से 8वां और 1st का, या 8वां और 12वें का, या 8वां और इवन 4 का, 12, 8, 4, 1, इनका अगर ये आपस में कनेक्टेड हैं हॉरोस्कोप में, तो फिर इनकी दशा अंतर दशा के कॉम्बिनेशन में
एक्सीडेंट होने का पूरा चांस होता है। तो मैं मेरे जैसे हॉरोस्कोप में देखिए, मेरे हॉरोस्कोप में मेरे आठवें भाव का सब लॉर्ड है वीनस, ठीक है। एंड वीनस हमारे लग्न का जो है लॉर्ड है, सो देर इज अ कनेक्शन बिटवीन फर्स्ट हाउस एंड द एट्थ हाउस, फर्स्ट हाउस एंड द एट्थ हाउस। तो कभी ना कभी हमारे लाइफ में एक्सीडेंट हो सकता है। वो कितना सीरियस होगा, हम उस एक्सीडेंट से निकल पाएंगे या हम उस एक्सीडेंट से नहीं निकल पाएंगे, दैट विल अगेन डिपेंड ऑन यू नो हाउ माई एट्थ हाउस सब लॉर्ड हैज द स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट मी, कि हम उस एक्सीडेंट से रिकवर करेंगे कि नहीं करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो हम फिर हम कितना डैमेज होगा, दैट विल डिपेंड ऑन कितना हमारे एथ कस्पल सब लॉर्ड एक्सीडेंट तो वो दे रहा है क्योंकि उसने फर्स्ट से कनेक्शन बना लिया। अब वो हम कितना वो और कहाँ क्या इंप्रूविंग हाउसेस से वो कनेक्शन बना रहा है, इंप्रूविंग नहीं सॉरी रिकवरी रिकवरी के हाउसेस से वो कनेक्शन बना रहा है, या इंप्रूविंग हाउसेस इन केपी, इंप्रूविंग हाउसेस इन केपी 1 2 3 6 10 11 होता है, 1 2 3 6 10 11, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा इन जनरल। ओके, वैसे तो नो हाउस इज बैड, नो हाउस इज गुड, नो हाउस इज कंप्लीटली गुड, नो हाउस इज कंप्लीटली बैड, बट 1 2 3 6 10 11 जो है ना, दीज आर जनरली इंप्रूविंग हाउसेस। और इनवेरिएबली आप देखिएगा एक्सीडेंट की दशा महादशा में बाधक या मारक प्लैनेट्स का भी रोल होता है, ठीक है। बाधक और मारक प्लैनेट्स का भी रोल होता है। तो जैसे मेरी टॉरस लग्न है, टॉरस लग्न का बाधक प्लैनेट कौन होगा, कौन सा प्लैनेट होगा, कौन सा हाउस होगा, सॉरी कौन सा हाउस होगा, नाइन्थ हाउस नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है, सर, जुपिटर, जुपिटर और राहु है। हाँ स्ट्रॉन्गली। और जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है, और एट हाउस एट आपका हाउस को कर रहा है, ठीक है। राहु और क्या कर रहा है, इलेवेंथ हाउस को, नहीं और देखिए, और इलेवेंथ 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 नहीं कर रहा है राहु, मतलब नाइन्थ हाउस को ही, और जुपिटर कौन कौन से ट्वेल्थ हाउसेस हाउस को आपको क्या कहाँ राहु कहाँ कहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। सर, नाइन्थ टेंथ हाउस, हाउस पे, टेंथ हाउस, और ऊपर जाइए, फोर्थ फोर्थ हाउस में। आ गया ना। तो अब आप देखिए अच्छा जुपिटर, नहीं जुपिटर राहु मेरा 1989 में, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, बट 1989 मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, हाँ करीब यही अगस्त सितंबर में करीब मेरा एक आई हैड मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट। देखिए देखिए जुपिटर, जुपिटर हमारा देखिए आप, जुपिटर इज द ओनली सिग्निफिकेटर ऑफ द एट्थ हाउस, ओके द महादशा लॉर्ड। ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर के कितने सिग्निफिकेशंस है, देखिए ट्वेल्थ हाउस में कितने सारे सिग्निफिकेशंस हैं, तीन थ्री सिग्निफिकेंट। जगह है, ठीक है ना। तो एट्थ और ट्वेल्थ इन्वॉल्व हो गया। अब आ जाइए फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है,
मार्स एंड राहु। मार्स एंड राहु, ठीक है। तो ये जुपिटर राहु और मोस्ट प्रॉबली इट वाज मार्स, एंड ऑफ अगस्त था सितंबर था, मुझे याद नहीं है ठीक से। इसी दिन मेरा बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, जबरदस्त सर एक्सीडेंट हुआ था, बट रिकवर हो गया होगा सर। रिकवर हमारा इसलिए हम हो गए क्योंकि हमारा जो है ना वीनस हमारा सफाई सब कर लॉर्ड रहा है ना, वीनस हमारे सब लॉर्ड सिग्निफाइज दी 11th था। 11th हाउस, इट सिग्निफाइज दी 3rd हाउस, इट सिग्निफाइज दी 2nd हाउस। अच्छा देखिए, 9th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से राहु जो है हमारा बाधक भी है, ठीक है। और सैटर्न भी आप देखेंगे इसमें आ रहा है, सर 5th है सर, सैटर्न 5th को भी सिग्निफाई कर रहा है सर। तो 5th रिकवरी हाउस होता है ना सर, 6th का हाँ ट्वेल्थ रिकवरी हाउस का होता है सैटर्न, रिकवरी हाउस 12th होता है। हाँ है ना, और 7th जो है बाधक भी है, सैटर्न भी है। तो ऑल दीज ये कॉम्बिनेशंस जो हमारे में आया, तो दिस टाइम आई डोंट थिंक आई वाज इनटू, शायद मैं एस्ट्रोलॉजी, हमने ये कब की बात है, हमने नहीं शुरू किया था तो उस समय हमको आइडिया नहीं था। आई वांटेड टू लर्न इट बट देयर वाज नोबडी टू टीच मी, उस समय हमको आइडिया नहीं था। नॉट दैट आई कुड हैव डन मच अबाउट इट, ठीक है। अभी तो बहुत सारे दांव पेच आ गए हैं कि अगर खराब पीरियड जा रहा है तो उसको कैसे हमको बचना है, बचाव करना है। बचाव के तरीके होते हैं, मिटिगेट करने के तरीके होते हैं, ठीक है। आप सर, बट जब बच से आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है कि 8th हाउस के रिजल्ट सेट शांत हुए हैं आपकी लाइफ में? बिल्कुल एकदम, आप बस, मैं उसी को उसी पर आने वाला था। अच्छा इस टाइम अगर मुझे पता होता कि आठवां भाव जो है मुझे नुकसान करेगा तो कुछ नहीं करना है। आठवां भाव आपको नुकसान कर रहा है, आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई एकदम जी जान से लग जाइए, वो आठवें भाव का जो बैड इफेक्ट्स है आपका वो कट जाएगा, ठीक है। 12th हाउस के बैड इफेक्ट्स को काटना है तो एवरीबडी कांट अफोर्ड टू यू नो गो अब्रॉड, एवरीबडी कांट अफोर्ड टू डू यू नो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस हम सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मेरा 12th हाउस भी तो इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग दैट वे ना, बहुत सारे सिग्निफिकेटर्स हैं मेरे 12th हाउस के। तो इसीलिए जब से मैं ये पढ़ाता हूँ एस्ट्रोलॉजी, तो थोड़े फॉरेन के कॉन्टैक्ट्स हमारे हैं, जैसे अभी दो दो फॉरेनर्स हमारे इसमें हैं, तो ये भी हमारा एक एक तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना 12th हाउस, फिर फॉरेन के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करना। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप 12th हाउस एकांतवास भी दिखाता, आप मेडिटेशन कम से कम करना शुरू कीजिए, खास सर, हॉस्पिटल करके वो। में भी डोनेशन कर सकते हैं सर 12th हाउस के लिए, हाँ जैसे डोनेशंस तो अलग चीज है वो तो, और हाँ 12th हाउस का सर, जैसे ओल्ड लोगों को मेडिसिन डोनेट कर दो तो 12th हाउस हाँ तो वो में। फिर चैरिटी तो बहुत तरह की है, चैरिटी पर हम आएंगे, सॉल्यूशंस पे हमें, रेमेडीज पे एक क्लास करना भी है, वो हम जी आएंगे। तो जो हाउस आपका खराबी कर रहा है उसका काम करने लगी है, तो वो अप टू एन एक्सटेंट 100% वो तो उसको खत्म नहीं करेगा। अगर फुल टाइम एकदम आठवें भाव का ही आप काम करने लगो खाली और कुछ मत करो तो शायद है ना, तो उसका फिर उसके तरीके हैं, जैसे जो हाउस नुकसान करता है। तो एक तो ये केस है, हम और भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अब मुझे जाना पड़ेगा, और भी मेरे दो तीन हो चुके हैं, क्योंकि ये कनेक्शंस इतने तगड़े हैं ना, ये जब इनका कॉम्बिनेशन आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट चाट लगने की इसकी है। इसीलिए आई इसमें एक फिर आने का मेरा मेन ये था कि मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, इसमें लगा रहता हूँ कि मेरे आठ ये जुपिटर और 12वां भाव मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है मतलब बहुत सारे सिग्निफिकेटर्स हैं 12वें भाव के। अब या तो मैं विदेश चला जाऊँ, अब तो जा नहीं सकते हैं, इट इज टू लेट नाउ, आई कैन जस्ट गो फॉर अ विजिट। सर ये पामिस्ट्री में ना जो आपकी लाइफ लाइन होती है, अगर उसके अंदर उसके साथ एक पैरेलल लाइन चल रही हो तो वो भी आपको शो करती है कि आप एक्सीडेंट प्रोन हैं। हेल्पिंग लाइन ना, हेल्पिंग सपोर्टिंग लाइन उसे लाइन, कह लें, कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्टिंग लाइन, लाइन, सपोर्टिंग लाइन हाँ कह लें, वो आपकी लाइफ को सपोर्ट कर रही होती है। तो आपके भी दाएं हाथ की लाइफ लाइन के अंदर जरूर सपोर्टिंग लाइन होगी जो आपको रोकती होगी इन इन एक्सीडेंट से, आपका आपका डिफेंस करती है। अरे रोकती नहीं है, मेरे दो तीन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जब जब ये कॉम्बिनेशंस आते सर हैं। आपको आप बच गए हैं ना, आपको प्रोटेक्ट तो किया है ना उन्होंने, अल्लाह माफ करे वो कोई
फेटल एक्सीडेंट तो नहीं हुए ना? हाँ एक्सीडेंट तो था लेकिन मैं बच गया, ठीक है, जी हाँ जी हाँ जी बच गया हाँ मैं, बस आप यही कर वो लो। एक्सीडेंट से नहीं रोकती सर, एक्सीडेंट से नहीं रोकती, एक्सीडेंट को एस्केप, आपके स्केपिंग में आपको हेल्प करती है, बचा लेती है। हाँ बचाने में हेल्प करती है आप। देखिए ये एक और ये है ना, ये हमारे सामने एक और वो है, रे चार्ट ये भी जो है एक चार्ट है, ठीक है, इसमें आप लोग कनेक्शन ढूंढिए। फर्स्ट और एट का पहले तो कनेक्शन ढूंढना पड़ता है हमें, फर्स्ट और एट। सब लॉट देखिए ना, फर्स्ट का कौन है, सैटर्न है, सैटर्न है सर, ठीक है, आठ का कौन है, सेम सैटर्न सेम सब लॉर्ड है सर, है ना, एट और है ना करेक्ट। वो फर्स्ट फर्स्ट का सिग्निफिकेटर भी आठ का सिग्निफिकेटर भी है, ठीक है, तो एक्सीडेंट तो लिखता है एक्सीडेंट, ठीक है, तो इनका जो है, हाँ सर सिर्फ एक्सीडेंट होगा या कोई क्रॉनिक डिजीज भी हो वो भी सकती हो है? सकती है, क्रॉनिक डिजीज भी हो सकती है उसमें क्योंकि 8th सिक्स, हाउस पर क्रॉनिक डिजीज को भी हाँ ले तो उसमें सकते। 6th हाउस भी आ जाएगा ना फिर। अभी हम हाँ एक्सीडेंट पर डिजीज हम पढ़ चुके हैं, हाँ डिजीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हमारे बीच में ही है, हम लोगों के साथ में ही है, इसी बैच में है, ये सर शुभम शुभम गुप्ता पांडे, है सर, वहाँ शुभम पांडे लिखा हुआ है। हाँ ऊपर लिखा हुआ है, मैं वो वही बोल रही, शुभम पांड्या की शुभम गुप्ता है। मैं तो पता नहीं, मैंने सॉरी गुप्ता पता नहीं क्यों पांडे लिख दिया मैंने। ठीक है, आपका नाम चेंज हो गया, न्यूमरोलॉजी से आप बच जाओगे अब। अच्छा आई एम सॉरी आई डोंट नो व्हाई, पता नाम नहीं, हमें हमारे पुराने बैच में शायद कोई रहे होंगे, ये तो शुरू शुरू में ही मैंने, आपने जब अपना भेजा था ना उसी टाइम मैंने अपने डेटा में फीड कर लिया, उसी समय गलती हो गई होगी, एनीवे ठीक है चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। ये देखिए फोर्थ ट्राइगोन फॉर एक्सीडेंट्स मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, फोर्थ सिग्निफिकेटर जुपिटर वीनस, सब लॉर्ड ऑल्सो सिग्निफाइज जुपिटर का सब, फोर्थ सिग्निफिकेटर इधर शिफ्ट कर देते, फोर्थ सर सिग्निफिकेटर जुपिटर, ठीक है, जुपिटर फोर्थ का सिग्निफिकेटर है जुपिटर, ठीक है, और इसका सब लॉर्ड भी जो है ना जुपिटर का वीनस है, ठीक है, तो वीनस भी शायद क्या सिग्निफाई कर रहा है, वीनस भी फोर्थ को कर रहा है, ऑल्सो सिग्निफाइज फोर्थ। एट सिग्निफिकेटर्स हैं सन, अगेन वीनस आ गया, ठीक है, आठवें का सिग्निफिकेटर वीनस हाँ 8th को भी सिग्निफाई आ कर गया, रहा है, ठीक है, मरकरी मरकरी आ गया, ठीक है, मरकरी आ मरकरी भी गया, सर 8th। मरकरी अनटेनेंटेड सब लॉर्ड ऑफ द फोर्थ भी है, ठीक है, अच्छा मरकरी इज द अनटेनेंटेड सब लॉर्ड ऑफ द फोर्थ, एंड 12th सिग्निफिकेटर इज लोन सिग्निफिकेटर इज मरकरी, ठीक है, तो ठीक अनटेनेंटेड भी है तो काफी कस का रिजल्ट देता है। एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन 12/4/2012 ड्यूरिंग राहु मरकरी जुपिटर वीनस, ठीक है, राहु है मरकरी, 1704 सर। अच्छा चलो हो गया होगा 12, चलो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 17 आपके सामने तो डिस्कस किया था मैंने, यही खोल के डिस्कस किया था। हाँ नाउ जी लेट अस सी दीस कस्पिल सब लॉर्ड सिग्निफिकेटर्स, कस्पिल सब लॉर्ड CSL, फोर्थ कस्पिल सब लॉर्ड अनटेनेंटेड मरकरी जिसका कि सब लॉर्ड जुपिटर है, एथ कस्पिल सब लॉर्ड अनटेनेंटेड मरकरी जिसका कि सब लॉर्ड जुपिटर है, 12th कस्पिल सब लॉर्ड मून हू सब लॉर्ड इज जुपिटर, ठीक है, आपका कार में या बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था? नहीं इनका फोर्थ का भी कनेक्शन 8 से आ रहा है ना? मैंने इनको दिखाया था, वाटरी साइन मैंने उस दिन आपको बताया था ना, वाटरी साइन, यस सर। वाटरी साइन सर मैंने 4th और 8th का कनेक्शन से बोला सर। नहीं, फोर्थ तो देखिए ऐसा है, कार से मत जोड़िए, फोर्थ ट्राइगोन ही बोलते हैं इसको, ओके फोर्थ इसको फोर्थ ट्राइगोन बोलते हैं, कृष्णमूर्ति जी की किसी किताब में मुझे याद नहीं आ रहा, फोर्थ ट्राइगोन करके 4/8/12 का कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया हुआ है, तो ये इन्होंने इनका हुआ था एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन 12/4/2012, 17 ये बोल रहे बंद सर। करना पड़ेगा, इसको फोटो पे खींच लो, फोटो फोटो खींच लीजिए इस वाले की, ये बंद करना पड़ेगा मुझे, इस वाले की फोटो खींच लीजिए, इसको ले लिया सर फोन। मैं बंद कर देता हूँ। राहु मरकरी जुपिटर वीनस, इसको बंद कर देता, राहुल मंत्री जी की तरह
मरकरी, जुपिटर, वीनस, जुपिटर, ठीक है, राहु मरकरी जुपिटर वीनस आ गया ना, 17-4 बोल रहे थे ना आप। यस सर। हाँ देखिए वही सामने आपके आ गया, राहु मरकरी जुपिटर वीनस। कैसे राहु सिग्निफाई कर रहा है 5, इलेवन। सर राहु तो 8th को नहीं कर रहे हैं। का सब लॉर्ड मरकरी ही कर रहे हैं। अच्छा राहु रिप्रेजेंट किसको करता है? जुपिटर, जुपिटर को। हाँ जुपिटर। अब मरकरी देखो ना कैसे छा गया है मरकरी। अब मरकरी अंतरदशा, मरकरी। अंतरदशा सबसे स्ट्रांग होता है ना, अब मरकरी इज द सिग्निफिकेटर ऑफ 6th हाउस है। मरकरी इट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ नर्व्स ऑल्सो। 4th को कर रहा है। हाँ मरकरी, और 10th को का सब लॉर्ड भी है। 10th अल्टरनेटिव सब लॉट भी तो है ना कई जगह का, मरकरी का है और 4th का है, 4th का भी है। और यहाँ पे मरकरी सिग्निफाई कर रहा है 8th को कर रहा है, सन भी कर रहा है 8th को। और इनका वो बाधक कौन होगा? कैंसर का कौन सा हाउस होगा बाधक? इलेवेंथ, 11th होगा ना, तो यस सर। इलेवेंथ का सिग्निफिकेटर कौन है? हाँ 11th का तो राहु है। राहु है ना। सेवेंथ का 11th का तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कौन है? सिग्निफिकेटर राहु है। 7th का सिग्निफिकेटर 7th को जुपिटर है, मरकरी भी है। जुपिटर है ना। सर मारक ना, 7th मारक ले रहे हो ना। हाँ, और 2nd का सिग्निफिकेटर कौन है? हाँ सन है सर, वो 16th को ही आसपास वाला है। ठीक है ना, एक वीनस दिन का तो क्या है। हाँ भी आ रहा है, वीनस 5 को दिखा रहा है, तो इसीलिए मतलब आई थिंक सर आपके केस में भी 5 आ रहा था, और रिकवरी हाउस है ना सर 5। लेकिन इनकी रिकवरी थोड़ा सा मैंने देखा था उस चीज को, इनका डिले था। 8th हाउस का सब लॉर्ड सैटर्न है ना, वो सैटर्न दिखा तो रहा है मरकरी बट 1st हाउस को दिखा रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गली जो है ना सैटर्न। 6th हाउस भी देखना पड़ता है, जब बीमारी आ जाती है ना तो फिर 6th हाउस को भी देखना पड़ता है, मतलब व्हेन यू आर हॉस्पिटलाइज्ड एंड देन यू नो। मरकरी तो सारा कुछ दिखा रहा है, बीमारी भी दिखा रहा है, 12th हाउस वो भी दिखा रहा है। सर सैटर्न 8th हाउस का भी सब लॉर्ड है ना सर, हाँ 8th हाउस का सब लॉर्ड है, तो एट इसीलिए हाउस थोड़ा सा एट्थ हाउस को सिग्निफाई लॉन्ग टर्म कर देता रहा है। हाँ लॉन्ग टर्म है, 8th हाउस को चीजें। सिग्निफाई भी कर रहा है, 10th हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है, विच इज अ नेगेशन फॉर रिकवरी। ठीक है, 10th हाउस इज द नेगेशन ऑफ द 11th हाउस विच इज वन ऑफ द हाउसेस फॉर रिकवरी। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ी सी नहीं काफी प्रॉब्लम आई, अच्छा ये है। और ये अच्छा हो गया ना कि एस्ट्रोलॉजी में आ गए एटलीस्ट 8th हाउस हाँ तो। मैंने इनको बोला कि आप बिल्कुल लग जाइए एस्ट्रोलॉजी में, लग जाइए एस्ट्रोलॉजी में। सर ये सारे मेरे मारक और बाधक हाउसेस एक्टिवेटेड थे तो मैं मरा क्यों नहीं? नहीं मरा क्यों नहीं वो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको वो पढ़ा दिया है ना, ये लॉन्गेविटी, अब आप आपके लिए क्योंकि एक्सरसाइज है, आप देख आपको लीजिए आपका एस्ट्रोलॉजी। 5th हाउस, फिफ्थ अरे हाउस अरे आ रहा है बीच में शुभम जी, मैं फिफ्थ देख हाउस चुका आया तो हूँ, रिकवरी हुई मैं है। देख चुका हूँ आप, एक तो सैटर्न है, सैटर्न अदरवाइज, सैटर्न जो है ना वो 8वें भाव से जब कनेक्टेड हो जाता है ना तो अदरवाइज भी वो जल्दी मरने नहीं देता है। मानने नहीं देता तो करेक्ट। प्रॉब्लम वाली बात होगी। अरे नहीं नहीं प्रॉब्लम ऐसा नहीं आप ऐसा 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 क्यों नहीं बोल रहे बोलिए, हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं सर चलो हमारे। मतलब सैटर्न सर इवन मरने को भी स्लो कर देता है। हाँ मरने को स्लो कर, इसलिए हाँ, हाउस में अच्छा और होता आयुष कारक है ना, है इस कारण। ठीक आयुष कारक है सैटर्न ना। हर चीज स्लो कर देता है, तो इसीलिए बोलते हैं बुरे हाउसेस में अच्छा है कि बुरी चीजें भी स्लो करेगा।
तो आप मतलब एकदम से लग जाइए अब सिक्स इसमें एट ट्वेल्व में एस्ट्रोलॉजी में। अभी क्या चल रही है आपकी महादशा? फिर जुपिटर के अंदर शनि की। जुपिटर। सेवन को सिग्निफाई कर रहा है, इलेवन को। जुपिटर तो आपका सेवेंथ दे रहा है। जुपिटर वैसे भी तो एस्ट्रोलॉजी का कारक होता है। जुपिटर जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस को भी दे रहा है, जुपिटर फोर्थ हाउस एजुकेशन को दे रहा है, सेवेंथ हाउस को दे रहा है, जुपिटर नाइन्थ हाउस को दे रहा है। ठीक है, जुपिटर नाइन्थ हाउस दे रहा है। जुपिटर में क्या शनि चल रहा है ना। ठीक आप लग जाइए एस्ट्रोलॉजी में, यू डू वेल इन एस्ट्रोलॉजी। तो ये देखिए जैसे आप लोग का अपना ध्यान रखिएगा, कितना ध्यान रख सकता है आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा मुश्किल है, बट वो डेट्स जो है ना 4, 8, 12 वगैरह की जब दशाएं एक साथ चलें तो कुछ ना कुछ उन घरों का कुछ ना कुछ उसको अफेक्ट को नलिफाई करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। दान दक्षिणा या उससे रिलेटेड कुछ काम। और सबसे तो बड़ी काट आठवें भाव की एस्ट्रोलॉजी पढ़ना ही है। एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ने लगी है तो आठवें भाव का बहुत बड़ा बड़ी काट है, जो कि मोस्ट ठीक मैलिफिक हाउस जो है वो आठवां आठवां होता है। इट इज सपोज टू बी MMP, मोस्ट मैलिफिक प्लैनेट एंड मोस्ट मैलिफिक हाउस, द एट हाउस एंड देयर सिग्निफिकेटर्स, द लॉर्ड एंड देयर सिग्निफिकेटर्स, दे द मोस्ट मैलिफिक। तो देखिए इनका सन जो इन्वॉल्व हुआ वो आठवें को भी सिग्निफाई कर रहा है। शुभम गुप्ता नाम है ना। अभी 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 सॉरी, मैं अभी चेंज कर देता हूँ यार, जी एक्सट्रीमली सॉरी, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। अभी मैं चेंज कर देता हूँ। सैटर्न की दशा तो अच्छी दिखा रही है शुभम जी, आपके 10th को भी सिग्निफाई कर रही है स्ट्रॉन्गली। मेरा वैसे कोई पब्लिकली तो मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, मतलब नेम फेम तो नहीं मिला, बट इस दौरान आई हैव अर्न वेल इन स्टॉक मार्केट। हाँ, लेकिन है तो फाइनली सैटर्न ना। हाँ वो भी मैं आपको बताया था ना, स्टॉक मार्केट में आपका यस सर, आपको कुछ सवाल हमसे पूछा था, उसमें मैंने कुछ बताया था आपको। यस सर, सिक्स हाउस को सिग्निफाई कर रही है ना, जॉब को लेकर जी पैसा आएगा, मतलब सिक्स को। चलिए हो गया। सर अब एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। अब लाइक जैसे फ्यूचर अगर अब देखना हो, सो फ्यूचर में मतलब अभी मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मेरे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरे को करियर के बारे में जानना है। लाइक क्लाइंट पूछ लेता है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, तो अब जैसे अगर मेरी अभी अगली अंतरदशा आ रही है मरकरी की, तो मरकरी की अंतरदशा तो बहुत कुछ शो कर रही है, तो इसको मैं रीड कैसे करूँ सर? मरकरी की अंतरदशा आ रही है, सबसे पहले तो मरकरी के आप सिग्निफिकेशंस देखिए। सबसे पहले मरकरी के सिग्निफिकेशंस देखिए। मरकरी यहाँ पर सिक्स थाउजेंड पहले तो जी देखिए देखिए रोड मैप महादशा दशा लॉर्ड ने कैसा बिछाया है। रोड मैप दशा दशा लॉर्ड बिछा देता है। ठीक है, वो लंबा होता है, जैसे वीनस आएगा तो 20 साल का रोड मैप हो जाता है। लेकिन जैसे एक चीज होती है ना कि सपोज दशा लॉर्ड इज वेरी गुड, अंतर दशा लॉर्ड इज वेरी बैड, तो वेरी गुड और वेरी बैड को मिला करके क्या निकलता है, गुड निकलता है। तो ओवरऑल जो है उस अंतर दशा में गुड रहेगा। सपोज बोथ आर वेरी बैड तो वेरी बैड रहेगा ही रहेगा, तो एक एवरेज निकालते हैं। बट एनीवे अंतर दशा लॉर्ड हैज दिस स्वे, तो आप उस अंतरदशा लॉर्ड के पहले तो सिग्निफिकेशन देखिए। सिग्निफिकेटर टेबल्स बहुत क्या दिखा है, देखिए लाइफ में आप देख लीजिए 10th हाउस सब लॉर्ड, 10th हाउस सब लॉर्ड क्या दिखा रहा है जिंदगी में, ये सीक्रेट है। 10th हाउस सब लॉर्ड
क्या दिखा रहा है वो आपके एक जिंदगी दिख 2, 6, 10, 11 अगर दिखा रहा है तो आप समझ जाइए कि मोस्टली लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी गुड। ठीक है सर। 2, 6, 10, 11 अगर दिखा रहा है तो तो लाइफ आपका इज गोइंग टू मर्करी बी सब वेरी गुड। लॉर्ड है ना 10th हाउस का शुभम जी, हाँ जी मर्करी जी तो अच्छा ही दिखा रहा है नहीं, फिर आप अपने बारे पूछ रहे हैं किसी और के बारे पूछ रहे हैं? सर। ये इसी चार्ट के थ्रू मतलब मैं समझना चाह रहा था कि कैसे अरे देखें। इसी चार्ट के थ्रू आप समझना तो चाहिए। मर्करी अनटेनेंटेड है ना, 10th हाउस का लॉर्ड है तो अच्छा ही दिखा रहा है। फोर्थ का भी है, 10th का भी है। और 8th का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखा रहा है। तो सर वो 8th हाउस क्या इंडिकेट करता है? 8th हाउस अच्छा नहीं इंडिकेट करता है, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो बहुत अच्छा इंडिकेट करता है ना। उसको आप ठीक नेगेटिव को पॉजिटिव में घुमाइए ना। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो 8th हाउस के जो नेगेटिव रिजल्ट जो माने जाते हैं वो खत्म हो करके आपको 8th हाउस से पैसा भी आता है ना। अचानक आप देखिएगा किसी दिन आपको अचानक किसी किसी दिन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कोई बड़ा ऑफर आ जाएगा आपको। ठीक है, आप हमें पढ़ाइए, आप क्लासेस लीजिए, आप ये कीजिए वो। विंडफॉल जो होता है, इनहेरिटेंस है, विंडफॉल है, वो 8th हाउस से। इंश्योरेंस मनी भी 8th हाउस से देखते हाँ हैं। स्टॉक्स जैसे भी हमारा 8th हाउस से हमारा देखते हैं। हमारा स्टॉक भी तो देखते हैं शुभम जी, आप स्टॉक में हो ना। एट्थ हाँ हाउस तो हाँ स्टॉक तो स्टॉक भी है ना सर। बोनस हाँ और एट बोनस थाउज वगैरह मिल जाएगा सर किसी स्टॉक्स में शेयर्स तो में। सडन विंडफॉल होता है, किसी दिन लॉटरी लग गई है ना, एक एक दिन में लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं, तो उसके तो फुल चांसेस हैं। 8th हाउस का सब लॉर्ड जैसे हमारा है, 8th हाउस का सब लॉर्ड वीनस है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द 11th हाउस। तो हमें कुछ इनहेरिटेंस में मिला, आई गॉट समथिंग यू नो फ्रॉम एवरीबडी। इनहेरिटेंस सबके माता पिता कुछ छोड़ के जाते हैं, लेकिन सबको नहीं मिलता है। वो विल लिख के गया, आपके नाम नहीं लिख करके गया, किसी और के नाम चले गए, आपको नहीं मिलेगा। एट्थ हाउस हैज टू सिग्निफाई दैट द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ द 8th हाउस, देन ओनली यू विल गेट, यू रीप द बेनिफिट्स ऑफ द 8th हाउस। तो 8th हाउस, एक तो आप एस्ट्रोलॉजी करते रहिए, आप अपना स्टॉक मार्केट में लगे रहिए, स्टॉक मार्केट में लगे रहिए। 5th हाउस क्या दिखा रहा है आपका? 5th हाउस सैटर्न है। ठीक है, 5th हाउस का सब लॉर्ड क्या दिखाता है? 10th दिखा रहा है ना, 6 भी दिखा रहे सिक्स सर। yes, फिफ्थ का 6 भी भी दिखा दिखा रहा रहे है, तो आप लगे रहिए, आप यू विल गेन इन द स्टॉक मार्केट। सर। बोनस शेयर मिलेंगे इनको अब। ठीक है, हाँ और सर ये भी देखेंगे ना, मरकरी का भी सब लॉट देखेंगे टू गेट व्हाट इज राइट फाइनल। यस मरकरी भी देंगे। मैं 5th का देखें, फिफ्थ हाँ का इसलिए देख रहा हूँ कि 5th इसलिए देख रहा हूँ कि ये अब उसमें घुस चुके हैं, ये उसको भी एक अपना प्रोफेशन बना चुके हैं, तो वो देखना जरूरी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 5th इज नेगेशन ऑफ 6th हाउस। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पैसे को काटता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, 5th हाउस के नेगेशन को कैसे काटना है। तो आप 5th हाउस से रिलेटेड, फिफ्थ ठीक हाउस से रिलेटेड कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा, है जैसे सर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, इन चीजों में इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ये सब, दीज आर टिप्स दैट आई एम गिविंग यू। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखिएगा तो 5th हाउस का नेगेशन ऑफ द 6th हाउस, 6th हाउस आपके पैसे का घर है, वो 6th हाउस को निगेट नहीं करने देगा। 5th हाउस में चूंकि आप घुस गए हैं 5th हाउस में, बट 5th हाउस इज अदरवाइज अ गुड हाउस, लेकिन 6th को काटता है वो। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी हाँ, फिफ्थ, स्पोर्ट्स में है, एंटरटेनमेंट में है। ठीक फैशन इंडस्ट्री। है, ये सब आप इसमें कुछ शेयर्स, कुछ नहीं करना है, शेयर्स खरीद कर रख लीजिए। सर चलिए, तो और वैसे कुछ जनरल डिस्कशन में और कुछ पूछना आप लोग चाहें तो पूछिए ये कुछ। मरकरी का सब लॉर्ड जुपिटर अच्छे हाउसेस दिखा रहा है शुभम जी। 4th, 11th और 7th, तो कुछ ना कुछ बिजनेस से फाइनल रिजल्ट तो उसका सब लॉर्ड बताएगा ना सर, जो दश अंतर दश रिजल्ट तो वाले सब सब लॉट बताते लॉर्ड हैं, बताएंगे। सब लॉट का सब लॉट भी देखना है। हाँ सब लॉर्ड का सब लॉर्ड जुपिटर अच्छे हाउस दिखा रहा है। सर ये फोर्थ डिजीज लॉर्ड में में देखिए, भी सब लॉर्ड्स पे हम लोग, आपको कोई बहुत क्वेश्चन प्रेस करता है ना तो आप होरेरी से निकाल लो बहुत। यू ऑल डोंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन योर नेटल। कोई जरूरी नहीं है कि आपका 5th का सब लॉर्ड अगर सही है तो आपका 7th का सब लॉर्ड भी, 8th का सब लॉर्ड, कोई दूसरा सब लॉर्ड सही ही होगा। हो सकता है 2-4 मिनट आपका टाइम अगर गड़बड़ है, कुछ इवेंट्स तो ठीक आ रहे हैं, कुछ इवेंट्स आप देखेंगे ठीक नहीं भी आएंगे, हो सकता है
रेक्टिफिकेशन चाहिए, लेकिन रेक्टिफिकेशन जबरदस्ती का नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी प्रेसिंग प्रॉब्लम है तो वो आप होररी से निकाल दीजिए। और कुछ बताइए, कुछ अगर जनरल क्लैरिफिकेशन ओवरऑल केपी को लेकर के करना है, किसी को कुछ पूछना है, या फिर नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। नाउ वी हैव आई थिंक कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कुछ तो छोड़ा नहीं है मैंने। अब वो देखिए, ताहिर जी जो बोल रहे थे ना, वो रटने वाली चीजें मैं पढ़ाऊंगा। सी दिस इज हाउ दे, यू नो, दिस इज हाउ दे कैरी ऑन कोर्सेज फॉर 2 ईयर्स। दो दो साल कोर्स चलती है। मैंने किसी से पूछा था, यार वो आप जो वैदिक पाराशरी के 2 साल के कोर्स कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि पहले साल तो हम लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं। पहले साल तो खाली हो, हमको थियोरी में वो सिखाते गए, कारक तत्व क्या है, फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं, दशा अंतर दशा क्या, मतलब क्या होता है, विमशोत्री दशा का अरिथमेटिकल पार्ट सिखाने में। तो ये तो देखिए कुछ चीजें, अब मैं आपको केपी में पढ़ाने लगूं, जैसे ताहिर जी जो बोल रहे थे कारक तत्व, तो उसका कोई तुक नहीं बनता है। हाँ, ये शायद जरूर, अगर मैंने गलती की कि मैंने बोला नहीं कि भाई सर्टेन थिंग्स आप खुद पढ़ लीजिए किताबों से। अब जैसे सिग्निफिकेशंस ऑफ हाउसेज ही हैं, ठीक है, सिक्स्थ हाउस क्या क्या दिखाता है। सिक्स्थ हाउस, मैं तो आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता दूंगा भाई, बीमारी दिखाता है, पैसा भी दिखाता है, नौकरी भी दिखाता है, ये तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं सिक्स्थ हाउस में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें दिखाता है, सर्वेंट्स भी दिखाता है, मामा को दिखाता है, तो ये सब किताबों में मिल जाएगा। कभी आप ढूंढेंगे, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये कहाँ से देखना है, तो या तो आप हाउस ग्रुपिंग वाला वो चले जाइए, या गूगल खोल के देख लो विच हाउस रिप्रेजेंट सर्वेंट्स, आपको मिल जाएगा। सर, इसमें ये एक्सीडेंट्स में वॉटरी साइन की आप क्या बात कर रहे थे? हाँ, वॉटरी साइन की क्या बताया था मैंने शुभम जी उस दिन आपको? सर, मेरा एक्सीडेंट वाटर में हुआ था, हाँ, सो मैंने कुछ कुछ बताया था आपको। सर मैं तो खुद भूल गया। कुछ अब मैंने ध्यान नहीं, हमने नोट नहीं किया नोट पैड में, मुझे नोट कर लेना चाहिए था। तो फोर्थ हाउस तो वाटर भी सिग्निफाई करता है, मून की राशि है ना। ने राशि, इनकी वॉटरी राशि कौन कौन सी होती है? हाँ, एक सेकेंड, वाटरी ये राशि इनके लग्न वॉटरी है क्या? मेरे से लग्न वाटरी है। हाँ वाटरी है। हाँ सर मून की है ना। हाँ, लग्न वॉटरी है। हाँ, यही मैंने पॉइंट आउट किया था। सर ये तो एट एट सब लॉर्ड को शो करना चाहिए ना, अगर मतलब एक्सीडेंट वाला हाउस 8 है तो उसी को शो करना चाहिए कि पानी में एक्सीडेंट होगा या व्हीकल से एक्सीडेंट होगा। इंडिकेशन तो वहीं से आनी चाहिए सर। देखिए, हर एक चीज अगर आप एकदम से ढूंढेंगे ना, तो आपको नहीं मिलेगा। हर एक चीज आपको किसी भी पद्धति में, जो प्रिसिशन आप ढूंढ रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट 100% आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, वो दैट यू मे नॉट, यू नो, वो शायद मुश्किल होगा। अब शायद, अब अगर मैं इसमें अभी, आप खुद इस पर रिसर्च कर लेना, आप खुद इस पर रिसर्च, आपको मिल जाएगा। आप देखिए, आप जो ढूंढ रहे हैं वो शायद मिल जाएगा आपको। एट सब लॉट को आप देख लो और डेप्थ में जाकर स्टडी कर लो। हो सकता है मैं भी उस दिन आपके, मेरे साथ आपकी बातें हुई तो मुझे मुझे नजर आया था उस दिन कि आपके लग्न जो है वॉटरी साइन है। सो समथिंग वॉटरी साइन इज गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ, ओके। वो आपका वॉटरी साइंस वालों का एक कैरेक्टर भी दिखाता है, जैसे हम टॉरियन हैं, अर्थी साइन है, यू नो, अर्थी साइन अ वेरी रिजिड पीपल, बट रिजिड यार पीपल, इमोशनल है पीपल। ना, वॉटरी इमोशनल होंगे, टॉरियंस बहुत रिजिड होते हैं। बट अब उसके साथ कृष्णमूर्ति जी ने जो कस्पल सब लॉर्ड जोड़ दिया, तो फिर हमें देखना होगा कि वो कस्पल सब लॉर्ड, ये कारक तत्व मिल करके हमारे नेचर को या कैरेक्टर को कैसा बनाते हैं, दोनों को ब्लेंड करके निकालना पड़ेगा। तो वॉटरी साइन हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, दैट इज व्हाट आई थिंक आई पॉइंटेड आउट दैट डे। और मून तो, चंद्रमा तो वाटर का कारक है, अदरवाइज भी है ना, चंद्रमा वाटर का कारक है।
सर एक जो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले वो जो जैसे वो चाइल्ड बर्थ में अपने जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था, मैंने थोड़ा सा वो लगा के देखा कि अगर हम एट एट सबलॉट का देखें, सबलॉट वो है सैटर्न, और सैटर्न का सबलॉट आगे है केतु, और केतु किसके स्टार में है? केतु केतु राहु के स्टार में? नहीं सर, मैं ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ, वाटर के साथ कनेक्शन नहीं आप आ रहा। देख लेना, देख लेना केतु कहाँ बैठा है, क्या है, कैसे है ना, देख देख लीजिएगा। और भी आप कॉम्बिनेशन उस दिन का देख लीजिएगा, जो 4-5 ग्रह हमने निकाले थे उसका वाटर साइन से कुछ कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं। आपका फोर्थ हाउस से कनेक्शन आ रहा था ना शुभम जी, तो वो इधर कार बाइक या पानी ना, फोर्थ हाउस इज काल चक्र कुंडली का वाटर से रिलेटेड है ना। हाँ, उसका सबलॉट भी मरकरी है जो कि हाँ, तो स्पाइसेस में है। इसलिए मुझे ध्यान में एकदम सिर्फ कार या बाइक आई, मैं सोची नहीं कि पानी भी हो सकता है। अब फोर्थ वैसे हाउस भी देखिएगा कॉम्बिनेशन तो आप मरकरी, आपका कनेक्ट जो हो रहा था। हाँ मरकरी जो है आपका मेजर रोल जिसने प्ले किया है आपके एक्सीडेंट में, है ना, बिकॉज मरकरी सबसे घातक है एक्चुअली, सच पूछिए तो। इसमें आप देखिए तो मरकरी आप देख लीजिएगा तो पाइसीज में बैठा हुआ है, अगर इफ यू वांट टू यू नो ड्रॉ दैट कंक्लूजन। मरकरी अगर उसमें देखिएगा तो पाइसीज में बैठा हुआ है, ठीक है। पाइसीज इज अ वाटरी साइन, योर अंतरदशा लॉर्ड इज सिटिंग। फिश का साइन है तो स्ट्रॉन्ग वाटर साइन है पाइसिस। स्विमिंग पूल में हुआ था तो पाइसिस ऐसा साइन है जो पानी पिया नहीं जाता, जो सेलाइन होता है। हाँ, चलो एनीवे डोंट, अब उसके बारे आप मत सोचिए। नाउ थिंग्स ऑन द यू नो थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स दैट लाई अहेड इन योर लाइफ, और वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स आप कर ही रहे हैं, शेयर मार्केट कर रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आपका बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। शेयर मार्केट में यू आर डूइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द प्लैनेट्स, कीप डूइंग वेल। तो बताइए आप लोग, और फिर और कुछ थिंक बैक, समथिंग नॉट क्लियर टू यू आस्क मी। राजीव रंजन जी आप बताइए आपका, आपको चूंकि हमको लगता है कि वैदिक का भी उतना बैकग्राउंड नहीं था, यस सर। यू मस्ट हैव फाउंड इट प्रीटी डिफिकल्ट। माय वैदिक बैच इज कमिंग अप, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। केपी भी आप रिपीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वैदिक और केपी आप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। और वैदिक जाने के लिए कोई बुक्स है सर जिसे मैं थोड़ा ज्यादा बुक्स तो जान? बहुत है, मार्केट भरा हुआ है, कोई भी वो बुक, तो है, वो तो लेकिन कितना सारा बुक्स आप है सर, वो लेकिन बुक्स कोई आप रिकॉर्ड, जो रिकमेंड करें, ऐसा है ना या ये आदिति जी बहुत पढ़ी हैं, आदिति जी रिकमेंड कर सकती हैं। वैदिक किसी एक बुक से आएगा नहीं, बहुत चार्ट देखने पड़ेंगे, बहुत कुछ वैदिक के करना तो आप है। मतलब तो आप आप ही एक लिखो ना दीदी जी, शॉर्टकट सबके लिए। नहीं, नहीं मैं आपको मैं बेसिक बता सकती हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको बता सकती हूँ बेसिक। बताइए। नहीं नहीं तो सर ले रहे हैं ना क्लास सर, वो तो ले ही लूंगा मैं सर। लेकिन आप जो क्लास लोगे उसमें भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि बेसिक पता होना चाहिए राइट, वैदिक का नहीं नहीं बिफोर नहीं यू नहीं स्टार्ट नहीं आप स्टेप्स बताओ। मैं वैदिक जो पढ़ाता हूँ फ्रॉम राइट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल, वो ठीक नौ रहेगा। ग्रहों, 9 ग्रहों के नाम, 12 राशियों के नाम, जैसे होता है वैसे पढ़ाता हूँ, बिल्कुल। मतलब आई स्टार्ट यू नो अज्यूमिंग प्रज्यूमिंग दैट माई स्टूडेंट्स डोंट नो एनीथिंग, उस तरीके से मैं शुरू करता हूँ, आता हो चाहे नहीं आता हो, मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। मेरे वैदिक के वीडियोज भी हैं, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड आई कैन, मैं अपने वीडियोस भी, केपी के भी हैं पूरे, पूरा सेट है, समबड़ी, बहुत लोग वीडियो खरीदते हैं, आज ही मैंने वीडियो एक अपना सेल किया है केपी का सेट, वैदिक भी लोग खरीदते हैं। तो आई थिंक अगर कुछ नहीं है तो फिर 10:30 बज रहा है, सर 1.5 घंटे का क्लास हो गया, अगर कुछ नहीं है तो वी विल एंड एंड कॉल इट अ डे। सर वेदी की क्लास की डेट दे देना, मैं जी कुछ लोगों बर्थडे से को बात लेते कर रहा हैं। हूँ। हाँ, मैं तो वो डालू, मैं बस अब हमारा क्लास ये वाला खत्म होगा। देखें नेक्स्ट संडे क्या हो जाएगा, टुडे इज व्हाट, टुडे इज आज कौन सी तारीख है, नाइन्थ 9th है ना, तो कल नौ आठ तारीख 8 हो जाएगा सर। 7 15 16 को हमारा बैच खत्म हो जाएगा ये वाला। तो आई थिंक 16 के बाद एनी डे आई कैन स्टार्ट, आई थिंक मे बी अराउंड 20th 20 तारीख से मैं नया बैच शुरू कर दूंगा। एंड अगर आप लोगों के जानने में कोई इंटरेस्टेड हो
यू कैन ऑलवेज टेल देम टू ज्वाइन। और आप में से कोई वैदिक पढ़ने का इच्छुक हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वील, हमें लगता है कि सर, थैंक यू सर, यस सर, गुड नाइट सर, ठीक है। हाँ सर गुड नाइट ऑल, गुड नाइट सर, चलिए, थैंक यू, नमस्ते सर, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट गुड नाइट सर। एवरीवन, बाय बाय।